जब गिडियंस की एक संघ के रूप में शुरुआत हुई, तब नगर नगर घूमने वाले सेल्समैन पूरे अमेरिका में वाणिज्य का मुख्य रूप थे। देश भर में घूमने वाले कुछ मसीहों ने चर्चा की कि मसीही जनों का एक दूसरे के प्रति जवाबदेह रहने का महत्व क्या है, ताकि वे अपनी गवाही के लिए जिम्मेदार ठहरें, ताकि उनके द्वारा प्रभु दूसरों को मसीह के लिए जीत ले। उनमें से एक थे सैम हिल, जो 1867 में हार्डविक वर्मोंथ में जन्मे थे। इस कहानी में हिल के साथी थे जॉन निकल्सन, जिनका जन्म 1859 को बफेलो न्यूयॉर्क में हुआ था। 1898 की एक रात इन दो सेल्समैन को बॉस्कोबेल विस्किंसन के सेंट्रल हाउस होटल के एक ही कमरे में ठहराया गया। जल्द ही दोनों जान गए कि वे मसीह में एक जैसा विश्वास रखते हैं, और उन्होंने एक साथ शाम में प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय दोनों को एक संग बनाने की बुलाहट महसूस हुई, तो ये सेंट्रल हाउस होटल के कमरे नंबर 19 की संयोग भरी मुलाकात थी, जो गिडियंस इंटरनेशनल की शुरुआत थी। एक वर्ष बाद इन्होंने निर्णय लिया कि सही समय आ गया घूमने वाले मसीही पुरुषों के संघ को शुरू करने का। इस प्रयास में सहायता के लिए निकल्सन ने अपने मित्र विलियम नाइट्स को, जो जोन्स विस्किंसन से थे, उन्हें न्योता दिया। वो नाइट्स थे जिन्होंने अपनी मार्केटिंग की क्षमता से गिनती बढ़ाई। जब सवाल उठा एक उचित नाम रखने का, जो ये लोग प्रार्थना में आए और गिडियंस पर सहमत हुए, न्यायों के अध्याय 7 से प्रेरित होकर। सबने माना कि गिदोन वो था जो वही करने के इच्छुक था जो परमेश्वर चाहता था, और सबने माना कि संघ का ये नाम दर्शाएगा कि वे प्रतिदिन कैसा जीना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने श्रीमान हिल को पहला अध्यक्ष, नाइट्स को उप अध्यक्ष और निकल्सन को ट्रेजरर करके चुना। कुछ महीने बाद जनवरी 1900 में आर्काइक रीडर में लिखा गया कि गिडियंस की सदस्यता 10 राज्यों में 250 हो गई थी। उसी वर्ष सितंबर में गिडियंस ने अपना पहला स्थानीय कैंप आयोजित किया। शब्द कैंप न्यायों के अध्याय 7:21 से लिया गया, और हर एक पुरुष कैंप के इर्द गिर्द अपने स्थान पर खड़ा हुआ। शिकागो में चर्चा के साथ एक जैविक साझेदारी विकसित हुई। जैसे जैसे पास्टर गिडियंस को प्रचार की बैठकों में बोलने के लिए बुलाने लगे, 1901 तक कनाडा के 33 राज्यों में सदस्यता बढ़कर 1607 हो गई। गिडियंस कैंप हर महीने के पहले रविवार को मिलते और अपनी यात्राओं, गवाहियों और सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा किया करते। एक व्यावसायिक सत्र में सुझाया गया कि गिडियंस की पत्नियों को ऑक्सिलरी करके मान्यता दी जाए, इस उद्देश्य से कि वे मिनिस्ट्री के कार्य के प्रचार और प्रार्थना में सहायता करें। सैम हिल की पत्नी श्रीमती फ्रांसिस हिल पहली ऑक्सिलरी बनी। उस समय के एक जाने पहचाने सदस्य थे यूएस के उपराष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट। उन्होंने 1901 में अपना आवेदन प्रस्तुत किया और सदस्य नंबर 1700 बन गए। उसके कुछ दिन बाद वे यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति बने। 1905 में चार्ल्स एम स्मिथ, जो डेट्रॉयट मिशिगन से दवाओं के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। स्मिथ ने देश के विभिन्न भागों में 6 गिडियंस को नियुक्त किया, ताकि अपने क्षेत्र में वे संघ का काम संभाले। इन लोगों ने, जैसे उनके बाद भी कई ने, फलदायी परिणामों की खुशी और संतुष्टता के अलावा बिना मुआवजे के ईमानदारी से श्रम करने की पेशकश की। 1907 तक गिडियंस ने देश के होटलों के हर कमरे में एक बाइबल रखने पर पूरा जोर लगा दिया। पहली बाइबलें अमेरिकन बाइबल सोसाइटी से प्राप्त हुईं। सबसे पहले इन्हें रखा गिडियन आर्ची बेली ने, जो अक्सर सुपीरियर मोंटाना के सुपीरियर होटल में ठहरा करते थे। वे होटल के मैनेजर से मिले
और कमरों में बाइबल रखने की अनुमति मांगी, जो मिल गई। तब श्रीमान बेली ने मुख्य कार्यालय में परमेश्वर के वचन की 25 कॉपीज के ऑर्डर दिए। बेली, जो एक रेल रोड अकाउंटेंट थे, उन्होंने बाइबलों का दाम अपने व्यक्तिगत योगदान से चुकाया। वो तारीख थी नवंबर 9, 1908। ये थे डॉक्टर ईआर बर्कहॉल्टर, जो सीडर रैपिड्स के फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास्टर थे, जिन्होंने प्रस्ताव रखा कि बाइबलों को प्रिंट करने और सारे स्थानीय होटलों में रखने के लिए रकम जुटाना चर्च की जिम्मेदारी है। इस योजना को सारे कैंप्स में लागू किया गया कि चर्च के लिए बाइबल का खर्च उठाना उनके होम मिशन का भाग होगा। परमेश्वर के अनुग्रह स्थानीय चर्चों की सहायता से किडियंस का लक्ष्य था कि अमेरिका के प्रत्येक होटल के कमरे में एक बाइबल रखी जाए। बड़े शहरों से लेकर गांव तक होटल्स में बाइबलों की झड़ी लग गई। इन्हें रखने के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, जो मेहमान पढ़ने के इरादे से बाइबल चोरी करेगा उसे जेल नहीं होगी, उसके बदले एक और रखी जाएगी। 1911 में संघ के अध्यक्ष ए.बी.टी. मोर ने कहा, आने वाले वर्ष ही हमारे बाइबल बांटने के परिणाम बताएंगे, पर लोगों को यीशु तक लाने में हमारे व्यक्तिगत काम का स्थान इसे नहीं दिया जाना चाहिए। जब अमेरिका का सामना महामंदी से हुआ, किडियंस अपने काम में विश्वास योग्य रहे। प्रभु ने उनके प्रयासों का प्रतिफल दिया। दशक के शुरू होने तक गिडियंस 10 लाख से बढ़कर बाइबलें रख चुके थे। 1935 में गिडियंस आधिकारिक तौर पर गिडियंस इंटरनेशनल बन गए। संघ ने 3 उद्देश्यों को भी रखा, जो आज मिनिस्ट्री का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। सेवा के लिए मसीही व्यापारियों को जोड़ना, प्रभु यीशु मसीह के लिए पुरुषों और महिलाओं को जीतना, परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को होटलों, अस्पतालों, संस्थानों और अन्य स्थानों पर रखना। 1938 में गिडियंस ने यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के एक एक स्कूल की कक्षा में बाइबल रखना शुरू किया। एक साल बाद गिडियंस ने ट्रेन पुस्तकालयों, पानी के जहाजों के कमरों और विमानों में भी परमेश्वर के वचन की आपूर्ति शुरू की। 1940 तक सदस्यता बढ़कर 3 गुना हो गई और परमेश्वर ने वचनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया वित्त पोषण की एक स्थिर आपूर्ति प्रदान करके, जबकि दूसरा महायुद्ध चल रहा था। जनवरी 1941 में गिडियंस ने सशस्त्र बलों को परमेश्वर के वचन की प्रतियों की आपूर्ति शुरू की। उन छोटे से नियमों के आगे के भाग में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की एक छोटी सी चिट्ठी भी हुआ करती थी, जो तब का आदर्श वाक्य बन गया। उन्हें सुसमाचार के साथ भी लैस करें। और जुलाई सन 1941 तक मिलिट्री में 10 लाख से भी अधिक बाइबलें बांटी गईं, 40,000 पर्ल हार्बर पर भी भेजी गईं। किडियंस ने पूरा जोर लगाकर बाइबलों को यूनाइटेड स्टेट्स में 5 से 12 उम्र के 4 करोड़ छात्रों में बांटा। केवल 2 वर्षों बाद 10 लाख बाइबलें युवाओं तक पहुंच गईं। उत्तर अमेरिका में जो परमेश्वर का हाथ सेविकाई पर था, तो दक्षिण अमेरिका में सबसे तेज गति से काम हुआ। 1958 के उस 6 सप्ताह में 9 देश आयोजित किए गए। सेविकाई का विकास नीति वचन 25:25 का प्रमाण था, जो लिखा है, जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। दिसंबर सन 1968 अपोलो 8 पृथ्वी की कक्षा छोड़ने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान था। क्रिसमस के शुभ अवसर पर विश्व के लगभग 100 करोड़ लोगों ने टीवी चलाकर ऐतिहासिक चंद्र कक्षा से लाइव टीवी प्रसारण देखा। दर्शक जब चंद्रमा के ब्लैक एंड व्हाइट चित्र देख रहे थे, तब उन्होंने मेजर बिल एंड्रूज की आवाज को दूर से आता हुआ सुना। किडियंस की एक बाइबल उस अंतरिक्ष यान में भी पहुंच चुकी थी और एंड्रूज ने आकाशवाणी पर पढ़ना शुरू किया उत्पत्ति 1:1 से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। द
दशक की समाप्ति तक गिडियंस ने विश्व भर में 25 अन्य भाषाओं में छपी हुई 8.5 करोड़ बाइबलों को बांटा। सन 1977 तक उनकी विश्व भर में सदस्यता 1 लाख हो गई, जिसे ब्लिट्सर के नाम से बड़े पैमाने पर महानगरों में वितरित किया गया। अक्सर कॉलेज परिसरों में छात्रों के बीच वितरित करने का ध्यान रखते हुए और उसी वर्ष सदस्यों ने एक ही नारा लगाया, अफ्रीका में बाढ़ लाई जाए। जल्द गिडियंस ने सूडान, रुवांडा, गोबान, मडागास्कर, बुर्किना फासो और मॉरिशियस में आयोजन किया। संसार की जनसंख्या का भारत से लेकर ब्राजील तक विस्फोट हुआ और गिडियंस ने तेजी से बाइबल की मांग की बुलाहट को पूरा किया। दक्षिण कोरिया में सेना में पादरी हर एक सैनिक को परमेश्वर का वचन पास रखकर उसे पढ़ने को उत्साहित करने लगे। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद कई लोगों के लिए थाईलैंड एक सुरक्षित स्थान बना, तो गिडियंस वहां भी कई शरणार्थियों के लिए परमेश्वर के वचन की आशा लिए उपस्थित थे। जापान में प्रतिवर्ष 10 लाख बाइबलों का वितरण हो रहा था। लातिनी अमेरिका में पहला अंतर्राष्ट्रीय बाइबल ब्लिट्स मेक्सिको में हुआ, जहां केवल 7 दिनों में 45,000 बाइबलों का वितरण हुआ। सन 1988 में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी माइकल गोर्बाचोव ने कुछ ऐसा वादा किया जो कभी सुनने में नहीं आया था, कि वे पूर्वी क्षेत्र के देशों से अपने सैनिकों को हटा देंगे। पूर्वी यूरोप के 41 देश जो एक एक करके स्वतंत्र होने लगे, वो आयोजित किए गए ताकि गिडियंस वहां अगले 5 वर्षों तक काम करें। ये देश 40 वर्षों से सुसमाचार के लिए बंद थे, कुछ तो 70 वर्षों से भी। सन 1995 तक ईमेल के द्वारा उद्धार की अनगिनत गवाहियां आने लगी, जब इंटरनेट की सनसनी जनता के बीच जा पहुंची। 10 सितंबर 2001 वो दिन था जब 100 करोड़वीं बाइबल दी गई, और उसके अगले ही दिन इतिहास रचा गया जब वर्ल्ड ट्रेड टावर्स ढा दिए गए। कुछ ही दिन बाद गिडियंस ने कितने ही तबाह हुए नागरिकों और आपातकाल में सहायता देने वालों के बीच न्यूयॉर्क सिटी में 1,95,000 बाइबलों को वितरित किया। अपने संपूर्ण इतिहास में गिडियंस ने अनेक बाइबल सोसाइटीज के साथ काम किया और कई भाषाओं में परमेश्वर के वचन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रिंटरों के साथ एक वैश्विक नेटवर्क के साथ भागीदारी की। दुनिया भर के चर्चों के साथ इसकी महत्वपूर्ण साझेदारी कुछ 200 देशों और क्षेत्रों में उस महान कार्य को पूरा करने का ईंधन बनी हुई है। 215 में परमेश्वर के पवित्र वचन की 200 करोड़वीं पुस्तक 2,75,000 से भी अधिक गिडियंस और ऑक्सिलरी में से किसी एक के द्वारा वितरित की गई, जो मिलकर एक दर्शन द्वारा मसीह के लिए खोए हुओं तक जाते हैं। 100 वर्षों से भी अधिक समय बाद गिडियंस के लिए सब कुछ बदल गया, पर कुछ अलग नहीं है। लोगों को आज भी यीशु की जरूरत है। ये प्रार्थना के प्रति प्रतिबद्धता है जिससे गिडियंस प्रभु के निर्देश पर भरोसा रखे हैं। ये नीति के पालन का जो सेविकाई को चलाता और विश्वासव्यापी ब्रांड को स्थिर रखे हुए है। ये उनका अनूठा लॉजिस्टिक नेटवर्क है जो परमेश्वर के वचन को समय पर स्थान प्रदान करता है जहां उसकी जरूरत पड़ जाती है। अंत में ये परमेश्वर का स्थिर हाथ है जिससे पुरुष और महिलाएं जग में जाने की बुलाहट पूरी करते हैं। निस्संदेह 1898 बॉस्को बेल विस्किंसन की उस रात सैम हिल और जॉन निकलसन का एक कमरे में रहना परमेश्वर की योजना अनुसार था। जैसे ही दो अजनबियों ने कमरा 19 में परमेश्वर का वचन खोला, ये कोई संयोग नहीं था। उन्होंने यूहन्ना अध्याय 15 वचन 16 को पढ़ा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे।